हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी है एक रकुन रूफस की जो अपने विजिट फ्रेंड के साथ अर्थ पर आया है ताकि वो लोग अपनी मैजिकल दुनिया को बचा सके, लेकिन यहाँ उनका सामना अपनी ही दुनिया की एक शैतान विच से होता है। तो मूवी के शुरू में हम पीटर और सारा को देखते हैं जो अपने दादाजी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं और सारा दिन बस अपने फोन में लगे रहते हैं। फिर एक दिन दादाजी उनका फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक मैजिकल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उनकी स्टोरी एक पुराने मैंशन से शुरू होती है जहाँ हम एक जादूगर एबिट और उसके दोस्त रूफस को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बचकर भाग रहे हैं और तभी लिलित नाम की एक विच वहाँ आती है जो एबिट की एक स्पेल बुक के पीछे है। इस बुक में एक ऐसा स्पेल लिखा हुआ है जिससे वो अपनी दुनिया को हील कर सकते हैं, लेकिन लिलित इस बुक से खुद को और पावरफुल बनाना चाहती है। एबिट अपने मैजिक से उस बुक को किसी सेफ जगह भेज देता है और खुद भी मैजिकल डोर से वहाँ से भागने की सोचता है। लिलित उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में एबिट का मैजिकल एम्यूलेट वहीं गिर जाता है, लेकिन गायब होने से पहले वो लिलित के मैजिक को बाइंड कर देता है। लिलित को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी किसी के आने की आवाज़ सुनकर उसे भागना पड़ता है और यही रूफस उस मैजिकल एम्यूलेट को उठा लेता है। आगे का सीन 2 साल बाद का है जहाँ स्कॉट नाम के लड़के को उस मैंशन में आते हुए देखते हैं। पता चलता है कि ये असल में उसकी ग्रैंड मदर का मैंशन है और उसकी बेस्ट फ्रेंड एमिली भी यहाँ उसका वेट कर रही है। मैंशन में उनके अलावा कुछ नौकर भी हैं जिनका नाम है नॉर्मन एडगर और लिलित। और लिलित असल में वही विच है जो आज भी उस एम्यूलेटर बुक को ढूंढ रही है और नॉर्मन और एडगर उसी के हायर किए हुए चोर हैं। स्कॉट और एमिली को भी ये लोग थोड़े अजीब लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। यही रूफस भी छुपकर उन सबको नोटिस कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो इन बच्चों से कुछ बात करना चाहता है। उस रात सोते हुए उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि लिलित और वो नौकर इतनी रात को भी जाग रहे हैं। लिलित कहती है कि हम तो यहाँ कुछ बुक्स पढ़ने आए थे और उन्हें बातों में उलझा कर वहाँ से वापस भेज देती है। स्कॉट और एमिली को उन पर शक होने लगता है और तभी वहाँ एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। अंदर आने पर उनका सामना रूफस से होता है और वो एक एलियन क्रीचर को वहाँ देखकर डर जाते हैं। रूफस भी पहले तो उनसे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जल्दी ही उन लोगों के सामने आ जाता है। वो लोग उसे बोलता देखकर बहुत हैरान होते हैं और तब रूफस उन्हें बताता है कि मैं कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट जीव हूँ और स्कॉट और उसकी फैमिली के बारे में सब जानता हूँ। स्कॉट को अभी भी कुछ समझ नहीं आता और रूफस उसे बताता है कि ये सब मुझे तुम्हारे दादाजी ने बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम भी उनके जैसे बहुत बहादुर हो और एक दिन यहाँ मेरी मदद करने जरूर आओगे और तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। स्कॉट पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ और तब रूफस उसे बताता है कि मैं अपने दोस्त एबिट के साथ एक दूसरी डायमेंशन से आया हूँ जहाँ अर्थ की तरह हमारी भी एक अलग दुनिया है, लेकिन कुछ टाइम से वहाँ एक डार्क पावर फैल गई है जिसने उस दुनिया को बर्बाद कर दिया है और इसीलिए क्वीन ने यहाँ हमें एक मिशन पर भेजा था। तब एमिली उससे एबिट के बारे में पूछती है और रूफस बताता है कि वो तो फिलहाल मुझसे कहीं बिछड़ गया है जिसका कारण है लिलित नाम की वो शैतान विच। एमिली कहती है कि मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, लेकिन रूफस बताता है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एबिट ने उसकी पावर्स को बाइंड कर दिया है। स्कॉट को अभी भी उसकी बातें बकवास लगती हैं और तब रूफस उन्हें वो एम्यूलेट दिखाता है और बताता है कि इसी ने एबिट को उस दरवाजे के पार भेजा था, लेकिन वो इस पर लिखे वर्ड्स को नहीं पढ़ सकता। यही नॉर्मन और एडगर भी एक होल से ये सब देख लेते हैं और एडगर तुरंत ये बात लिलित को बताने जाता है। इधर एमिली के समझाने पर स्कॉट भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और वो देखते हैं कि एम्यूलेट पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा है। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो उसे यूज करना सीख जाते हैं और दरवाजा उन्हें एक जंगल में ले आता है। तभी लिलित और उसके लोग वहाँ आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो रूम तो एकदम खाली है और लिलित उन्हें किसी भी कीमत पर उन बच्चों को पकड़ने को कहती है। इधर वो तीनों आगे बढ़ते हुए एक रिवर के पास आते हैं और वहाँ अचानक एक मगरमच्छ रूफस को निकल जाता है। स्कॉट और एमिली बहुत डर जाते हैं और तभी कहीं से एबिट वहाँ आकर उस मगरमच्छ को भगा देता है और रूफस सही सलामत बाहर आ जाता है। रूफस एबिट से इनका इंट्रोडक्शन कराता है, लेकिन वो देखते हैं कि जंगल में रहने से एबिट की याददाश्त कमजोर हो गई है और वो अपने ज्यादातर स्पेल्स भी भूल चुका है। फिर वो उसे लेकर वापस मेंशन में आते हैं और रूफस उससे उस स्पेल बुक के बारे में पूछता है।
एबिट को भी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे इस बुक में हजारों स्पेल्स कैद हैं और इन्हीं में से एक स्पेल है मैजिकल डस्ट का, जिससे वो अपनी दुनिया को फिर से ठीक कर सकते हैं और उसे बनाने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वही सब लेने वो अर्थ पर आए थे। रूफस उसे बुक की लोकेशन पूछता है और एबिट बताता है कि वो इस वक्त सिटी की नेशनल लाइब्रेरी में है। फिर स्कॉट उसे कुछ खाना लाकर देता है और वो सब लाइब्रेरी में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। स्कॉट को लगता है कि लोग रूफस को देखकर डर जाएंगे और एमिली उसे छुपाने के लिए एक प्रेम में बिठा लेती है। फिर वो मैजिकल डोर से होते हुए उस लाइब्रेरी में आते हैं, लेकिन लाइब्रेरियन रूफस को देख लेती है और वो सब जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो उस मैजिकल बुक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और उनसे बचने के लिए वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी एबिट की नज़र उस बुक पर पड़ती है जो उनके ठीक सामने एक बॉक्स में रखी हुई है, लेकिन सिक्योरिटी के होते हुए वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तब एमिली सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने जाती है और पीछे से एबिट और स्कॉट उस बुक को चुरा लेते हैं। इससे वहाँ एक अलार्म बजने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह बचते हुए वापस मेंशन में आ जाते हैं। स्कॉट को लगता है कि अब शायद वो मैजिकल डस्ट बना सकते हैं, लेकिन एबिट बताता है कि ये बुक तो बस एक शुरुआत थी और अभी तो हमें कुछ एलिमेंट्स इकट्ठा करने होंगे। एमिली उससे उन एलिमेंट्स के बारे में पूछती है और एबिट बताता है कि हमें टोटल 4 एलिमेंट्स चाहिए। पहला है डायनासोर की हड्डी, दूसरा 1000 साल पुराने ओलिव पेड़ का टुकड़ा, तीसरा 1 वोल्केनो से निकला हुआ पत्थर और आखिरी है रूफस के ब्लड की कुछ बूंदें। फिर वो दरवाजे के थ्रू पहले एलिमेंट के पास जाने लगते हैं, लेकिन अचानक लिलित वहाँ आकर एबिट को पकड़ लेती है और इस छीना झपटी में स्पेल बुक का आधा हिस्सा उसके पास आ जाता है। वो नॉर्मन और एडगर से उनका वही इंतजार करने को बोलती है और खुद अपनी मैजिकल पावर्स को रिवाइव करने चली जाती है। इधर एबिट और बाकी लोग एक डिजर्ट में आते हैं और वो उन्हें बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हीलिंग स्पेल अभी भी उसी के पास है। फिर वो डायनासोर की बोन्स को समन करता है, लेकिन गलत स्पेल होने की वजह से वहाँ एक जीता जागता कंकाल आ जाता है और वो सब उससे बचकर भागने लगते हैं। रूफस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायनो उसे निगलकर अपने पेट में ले जाता है। एबिट बच्चों को वापस रूम में भेज देता है, लेकिन नॉर्मन और एडगर वहाँ उन्हें पकड़ लेते हैं। एबिट अपने अधूरे मैजिक से किसी तरह रूफस को आजाद करा लेता है और वो उसकी हड्डी लेकर वापस रूम में आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्कॉट और एमिली में से वहाँ कोई नहीं है। उधर नॉर्मन और एडगर बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं ताकि उनसे उस बुक के बारे में जान सके और तभी एबिट और रूफस वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। यहाँ एबिट उन्हें बताता है कि हमारा अगला एलिमेंट एक मैजिकल फॉरेस्ट में है और वहाँ हमें एक पार्क के रास्ते जाना होगा। यही लिलित बुक की मदद से एक पोशन तैयार करती है जिसे पीते ही उसका मैजिक वापस आ जाता है और वो एबिट को रोकने के लिए निकल पड़ती है। एबिट भी पार्क में उस सीक्रेट एंट्रेंस को खोलता है और वहाँ से वो लोग उस मैजिकल फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ एबिट उन्हें बताता है कि हमारी दुनिया भी अर्थ के जैसी ही थी, लेकिन फिर हमने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और इससे वो बर्बादी के कगार पर आ गई। वो उन्हें इस तरह की गलती से बचने को कहता है और फिर जल्दी ही वो उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। रूफस ऊपर उसके टुकड़े को तोड़ने जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा आउल उसे पकड़ लेता है और एमिली एबिट से उसकी मदद करने को कहती है। बड़ी मुश्किलों से वो एक स्पेल याद करता है, लेकिन वो देखते हैं कि आउल ने ऊपर से ही रूफस को नीचे गिरा दिया है। यहाँ से निकलकर वो वापस मेंशन में आते हैं, लेकिन पता चलता है कि लिलित वहाँ उनका वेट कर रही है। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाने लगते हैं, लेकिन आखिर में जीत एबिट की ही होती है और वो उनसे बचते हुए अपने तीसरे एलिमेंट के पास आ जाते हैं। ये असल में वर्ल्ड के एंड पर बना एक वोल्केनो है जहाँ से उन्हें वो स्टोन हासिल करना है। इधर नॉर्मन और एडगर लिलित का साथ छोड़ने को कहते हैं, जिससे नाराज होकर वो उन्हें माउस में बदल देती है और खुद एबिट के पीछे उस वोल्केनो की ओर चली जाती है। एबिट और उसके दोस्तों को भी एक स्टोन मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से वापस निकल पाए, उन्हें रोकने लिलित वहाँ आ जाती है और एबिट के एम्बुलेट को उससे छीन लेती है। फिर वो उसे बुक का वो आधा हिस्सा देने को कहती है, लेकिन एबिट ऐसा करने से मना कर देता है और वो लोग उससे लड़ने का फैसला करते हैं। एबिट एक एक करके उस पर कई अटैक करता है, लेकिन लिलित की पावर पहले से बहुत बढ़ चुकी थी और उस पर इनका कोई असर नहीं होता। फिर लिलित बुक में से एक स्पेल को पढ़ने लगती है और वो देखते हैं कि वोल्केनो से एक खतरनाक ड्रैगन निकल रहा है। रूफस उसे भी कोई स्पेल यूज करने को कहता है, लेकिन एबिट बताता है कि मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है।
इधर लिली ड्रैगन से उन पर आग छोड़ने को कहती है और रैबिट उन्हें बचाने के लिए अपने स्पेल का यूज करता है, लेकिन इसके साथ ही उसका शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। रूफस और वो बच्चे भी साइड में जाकर छुप जाते हैं और देखते हैं कि लिलित के हाथ बुक का वो दूसरा हिस्सा भी लग गया है, जिसे जोड़कर उसने पूरी बुक बना ली है। वो उस बुक और एमुलेट को पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी एबेट अपनी पावर से उस एमुलेट को दूर उछाल देता है और कहता है कि अब हम में से कोई वापस नहीं जा सकता। उधर रूफस हिम्मत करके उस ड्रैगन से लड़ने जाता है, लेकिन देखता है कि उसका चाकू ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और ड्रैगन उसे उछालकर नीचे पटक देता है। यहाँ उसे वो एमुलेट नजर आता है और ड्रैगन से बचते हुए वो वापस ऊपर चढ़ने लगता है। फिर वो एमुलेट की मदद से उस मैजिकल डोर को खोलता है और स्कॉट और एमिली वापस मेंशन में चले जाते हैं। लिलित भी बुक और एमुलेट के साथ वापस चली जाती है और थोड़ी ही देर में हम एबेट को जागते हुए देखते हैं, जिसकी सारी मेमोरीज अब वापस आ चुकी हैं। तभी वो उस ड्रैगन को फिर से अपनी ओर आते हुए देखते हैं और इस बार एबेट उसका जमकर मुकाबला करता है। इस तरह फाइनली वो ड्रैगन मारा जाता है और एबेट और रूफस भी वापस मेंशन की ओर निकल जाते हैं। इधर स्कॉट और एमिली लिलित से वो बुक और एमुलेट छीन लेते हैं और गुस्से में वो उन पर अपने स्पेल का यूज करती है। तभी हम देखते हैं कि रूफस ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया है, लेकिन वो खुद इस वार को नहीं झेल पाता और वहीं दम तोड़ देता है। एबेट भी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाता है और एमिली से उस एमुलेट को लेकर लिलित को हमेशा के लिए एक अनजान जगह पर भेज देता है। स्कॉट और एमिली को रूफस के जाने का बहुत दुख होता है और तब एबेट उन्हें बताता है कि हम मैजिक डस्ट से इसे ठीक कर सकते हैं। फिर वो उन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करता है और रूफस का ब्लड उसमें मिलाते ही मैजिक डस्ट बनकर तैयार हो जाती है। रूफस भी जल्द ही ठीक हो जाता है और वो और एबेट उन बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम ये सब कभी नहीं कर पाते। फिर वो मैजिकल डोर से अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं और स्कॉट और एमिली ये सब बातें अपनी ग्रैंड मदर से शेयर करते हैं। तभी वो देखते हैं कि रूफस एक बार फिर उनसे मिलने आया है, जो उन्हें बताता है कि हमें तुम्हारी मदद की फिर से जरूरत है। पीटर और सारा को भी ये स्टोरी बहुत पसंद आती है और उस पर दादाजी उन्हें बताते हैं कि अभी तो स्टोरी का सेकंड पार्ट भी बाकी है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।